हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस वीडियो में, राजस्थान का भूगोल पार्ट 6 में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए राजस्थान के भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो आपके सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। और ये राजस्थान के भूगोल से संबंधित RPSC राजस्थान के लेवल के जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें ये आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें यह आपके लिए रामबाण साबित होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए पार्ट 6 लेके आया हूँ, और पार्ट 5 वीडियो मैं आपको पहले करा चुका हूँ, जो हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। तो आज का ये वीडियो शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे निवेदन है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन को दबाएँ, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप यही वीडियो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पर शेयर करें, ताकि जो भी राजस्थान के लेवल के एग्ज़ाम दे रहे हों उन्हें पढ़ने में कोई परेशानी न हो। तो चलिए आज की इस वीडियो शुरू करते हैं। राजस्थान में आज का हमारा दोस्तों टॉपिक है राजस्थान में कृषि। दोस्तों, ये जो पहले का टॉपिक है ये हमारे पहले वाले वीडियो में हो चुका है, और आज का नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है राजस्थान में कृषि का रहेगा। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। राजस्थान की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है। दोस्तों, राजस्थान की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कृषि है, क्योंकि दोस्तों राजस्थान में कृषि अधिकतर होती है और यहाँ के किसान अधिकतर कृषि पर ही निर्भर होते हैं। राजस्थान में सर्वप्रथम सेब की खेती कहाँ की गई? दोस्तों, माउंट आबू में की गई, सिरोही ज़िले में। किस वृक्ष के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है? दोस्तों, तेंदू के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है। और दोस्तों, आपने नाम सुना होगा टिमरू, टिमरू का पेड़ भी गाँवों में अधिकतर मिलता है पहाड़ी क्षेत्र में, और टिमरू के वृक्ष के पत्तों से भी बीड़ी बनाई जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन किस फसल का होता है? दोस्तों, आप सभी जानते हैं गेहूँ उत्पादन सबसे अधिक होता है। बाजरा सर्वाधिक किस राजस्थान में उत्पादित होता है? दोस्तों, राजस्थान में किस राज्य में उत्पादित होता है? दोस्तों, राजस्थान में उत्पादित होता है। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों, अजमेर जिले में स्थित है, TBG नगर में। रणजक तेलिया एवं धोलिया किस फसल की किस्म है? दोस्तों, अफीम की किस्म है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है दोस्तों सेवर भरतपुर जिले में। इसकी स्थापना 20 अक्टूबर 1993 में की गई थी। राज्य का प्रथम मसाला पार्क कहाँ है? दोस्तों, जोधपुर ज़िले में है। राजस्थान के किन दो ज़िले में 80% अमेरिकन कपास का उत्पादन होता है? दोस्तों, गंगानगर और हनुमानगढ़ ज़िले में होता है। राजस्थान में प्रमुख चावल उत्पादन ज़िले हैं? दोस्तों, चावल उत्पादन ज़िले गंगानगर, हनुमानगढ़, बांसवाड़ा, बूंदी, इन क्षेत्र में अधिकतर चावल की खेती की जाती है। किन्नू एवं माल्टा की खेती किस ज़िले में की जाती है? दोस्तों, गंगानगर ज़िले में की जाती है। राजस्थान में मेहंदी के लिए प्रसिद्ध दो स्थान है। दोस्तों, सोजत और गिलुंड क्षेत्र मेहंदी के लिए बहुत प्रसिद्ध है, यहाँ मेहंदी की खेती अधिकतर की जाती है। राजस्थान भारत में किसका उत्पादन सर्वाधिक है? दोस्तों, ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करता है। राजस्थान के अधिकांश भाग में कौन सी फसल बोई जाती है? दोस्तों, बाजरा की फसल अधिकतर बोई जाती है। राजस्थान का गौरव कौन सी फसल है? दोस्तों, बाजरा राजस्थान का गौरव है, क्योंकि दोस्तों बाजरा फसल के लिए अधिकतर पानी की कमी के क्षेत्र में भी ये उग जाता है, और पानी की ज़रूरत कम पड़ती है, इसलिए बाजरा की खेती अधिकतर की जाती है। जीरा, इसबगोल और टमाटर की खेती किस ज़िले में की जाती है? दोस्तों, जालौर ज़िले में की जाती है। माही कंचन एवं माही धवला किस फसल की मुख्य किस्म है? दोस्तों, मक्का की है। सेला बासमती चावल के लिए प्रसिद्ध ज़िला कौन सा है? दोस्तों, बूंदी ज़िला है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, राजहंस का संबंध किस कृषि से है? दोस्तों, राजहंस का संबंध किससे है? दोस्तों, कृषि से है। राजस्थान की खरबूजों और तरबूजों के लिए प्रसिद्ध ज़िला है? दोस्तों, टोंक ज़िला है। राज्य में सौंफ का एकमात्र महत्वपूर्ण ज़िला है तो दोस्तों सिरोही ज़िले में अधिकतर सौंफ की खेती हो जाती है। होबा है तिलहनी पौधा। दोस्तों, होबोबा को नाम तिलहनी पौधे को होबोबा के नाम से जाना जाता है। मावट की वृक्षा किस फसल के लिए लाभदायक है? दोस्तों, मावट की वृक्षा गेहूं फसल के लिए लाभदायक होती है। मावट की वर्षा किस फसल के लिए हानिकारक है? दोस्तों, जीरा और इसबगोल के लिए मावट की वृक्षा हानिकारक होती है। दोस्तों, इसबगोल और जीरा जो होता है, इसबगोल पानी के कारण गल जाता है और वह चिकना चिकना हो जाता है, जिससे इसबगोल की खेती बेकार हो जाती है। ऐसी कौन सी फसल है जो खरीफ और रबी दोनों में पाई जाती है? दोस्तों, मक्का फसल दोनों किस्मों में पाई जाती है। मिश्रित खेती किसे कहते हैं? दोस्तों, मिश्रित खेती कृषि के साथ पशुपालन को भी मिश्रित खेती कहा जाता है। दोस्तों, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सोना, कल्याण, कोहिनूर, मैक्सिकन किसकी किस्म है? दोस्तों, गेहूं की किस्म है। सरसों और राई उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? दोस्तों, प्रथम स्थान है। दोस्तों, भारत में राजस्थान सरसों और राई अधिकतर उत्पादन करता है। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोई जाने वाली दलहन फसलें कौन सी? दोस्तों, मोठ है। राजस्थान में सर्वाधिक भाग में उत्पादन होने वाली दलहन फसल कौन सी? दोस्तों, चना है। खसखस घास किन जिलों में पाई जाती है? दोस्तों, खसखस घास टोंक, सवाई माधोपुर और भरतपुर ज़िले में अधिकतर पाई जाती है। राजस्थान का राजकोट किसे कहते हैं? दोस्तों, लूणकरण सर बीकानेर ज़िले में
जो स्थित है लूणकरणसर, उसे राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। किन दो जिलों में ग्वार उत्पादन नगण्य होता है? दोस्तों जैसलमेर और चुलू जिले में ग्वार नगण्य होता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अधिकतर गर्मी पड़ती है और रेतीले इलाके होने के कारण ग्वार की खेती कम होती है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला सोना किस फसल को कहते हैं? दोस्तों काला सोना अफीम को कहते हैं। दोस्तों अफीम काले कलर की होती है क्योंकि उसका जो दूध निकलता है उसमें काला रंग होता है, और दोस्तों यह सोने के भाव के बराबर होती है, इसलिए इसको काला सोना की फसल के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक घना उत्पादन वे क्षेत्रफल वाले दो जिले हैं? दोस्तों बूंदी और गंगानगर जिला। चुकंदर से चीनी बनाने का संयंत्र कहाँ स्थित है? दोस्तों गंगानगर जिले में चुकंदर से चीनी बनाने का संयंत्र स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फॉर्म है दोस्तों सूरतगढ़ गंगानगर में स्थित है। राज्य का प्रथम एग्रो फूड पार्क कहाँ स्थापित है? दोस्तों कोटा जिले में स्थापित है। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें, और साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आने वाले एग्ज़ाम में किसी को पढ़ने में राजस्थान के भूगोल से संबंधित कोई परेशानी ना हो। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।